दोस्तों नमस्कार। पिछले हफ्ते भारत के प्रधानमंत्री ने SCO की मीटिंग, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को संबोधित किया। एक वर्चुअल लेवल मीटिंग थी ये। SCO आफ्टर ऑल है क्या और भारत इसमें पार्टिसिपेट करके क्या अचीव करता है? दोस्तों SCO का गठन, शंघाई और कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन वैसे तो ऑफिशियली 2001 में हुआ, पर इसके पीछे का भी एक इतिहास है जो आपको जानने की ज़रूरत है। दोस्तों 1970s के दशक में चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया, कैपिटलिज्म अपनाया, और चाइना ने उस समय 1970 से 80s तक बैठ के अपने कंट्री में कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर्स को क्रिएट किया। 1980s से 1990s का जो दशक था, चाइना ने उस समय बैठ के एक ब्लूप्रिंट तैयार किया कि अगर हम ओपन इकोनॉमी बनेंगे तो हमें बेसिकली रिसोर्सेज चाहिए, और इस ओपन इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो हम रिसोर्सेज को कहाँ से लाएंगे। तो उस समय 1980s से 90s की जो पूरी डेकेड थी या दशक था, उस समय चाइना ने ये निर्णय लिया कि हम दूसरी कंट्रियों से रिसोर्सेज उठाएंगे, और उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई जिसको गोइंग आउट स्ट्रैटेजी के नाम से जाना भी जाता है। लेकिन जैसे ही 1980s का डेकेड 1989-1990 तक पहुंचा दोस्तों, तो उस समय कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध खत्म हो चुका था। जैसे ही शीत युद्ध खत्म हुआ तो चाइना को उस समय रिकैलिब्रेशन करना पड़ा, उसको अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा, अपनी नीति को दोबारा से बनाना पड़ा, और 1990s के पहले 2-3 साल लेके चाइना ने दोबारा से एक निर्णय लिया कि हम गोइंग आउट स्ट्रैटेजी का प्रयोग तो करेंगे ही करेंगे, पर अब हम पहले फोकस करेंगे उन कंट्रियों को जो ज्योग्राफिकली हमारे आजू बाजू में हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ कि 1994 में एक निर्णय लिया गया चाइना की तरफ से, और वो निर्णय ये था कि मेरे बाजू में सेंट्रल एशिया के 5 देश हैं। इन सारे के सारे 5ों सेंट्रल एशिया के देशों में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज हैं। ये रिसोर्सेज मिनरल से लेके, केमिकल से लेके, ऑयल एंड गैस से लेके सब कुछ है। तो चाइना को ये बात लगी कि भाई ये इलाके जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, दोस्तों अगर सेंट्रल एशिया के बारे में एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, 1925 से सेंट्रल एशिया सोवियत यूनियन का हिस्सा था, और ये 5ों के 5ों देश वैसे तो इंडिपेंडेंट इस्लामिक कंट्रीज थी, बट ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, तो यहाँ पर रशियन सिस्टम्स थे। लेकिन जब शीत युद्ध खत्म हुआ तो रशिया से इनको लिबरेशन मिला और इन्होंने अपने अपने इंडिपेंडेंट देश दोबारा से बना लिए। तो चाइना को ये लगा कि मेरे बाजू में एकदम ज्योग्राफिकली बगल में ये सेंट्रल एशिया के सारे देश हैं, और यही सेंट्रल एशिया के देशों में बहुत सारे विभिन्न प्रकार के रिसोर्स हैं जो मेरे को लेने में सरलता भी होगी, क्योंकि मेरे को इनके लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, और ये रिसोर्सेज से मैं अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बहुत अच्छे से ड्राइव कर पाऊंगा। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों इवेंचुअली ये हुआ कि चाइना ने अपनी निर्णय जब ये लिया कि सेंट्रल एशिया के रिसोर्सेज को हम एक्सेस करेंगे, उस समय चाइना ने एक स्टडी करके देखा कि मेरे इनके साथ बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, और ज़्यादातर ये डिस्प्यूट्स दोस्तों बॉर्डर के डिस्प्यूट थे। कई ऐसे जगहों पर बॉर्डर था चाइना का कई सेंट्रल एशियन देशों के साथ, जहाँ पर सेंट्रल एशिया के देश कुछ टेरिटरी क्लेम कर रहे थे और कई जगहों पर चाइना टेरिटरी क्लेम कर रही थी। लेकिन इस पूरी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चाइना ने एक ऐसी अनोखी सी पॉलिसी अपनाई जो कि वो भारत के साथ कभी नहीं अपनाती। चाइना ने ये कहा कि मैं सेंट्रल एशिया के रिसोर्स लेना चाहता हूँ, तो मैं बेसिकली अपने जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करूँगा। इस कॉन्टेक्स्ट में 1996 में चाइना ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था शंघाई 5। शंघाई 5 का ये जो संगठन दोस्तों इवेंचुअली बना, इस संगठन का सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव ये था कि चाइना इन सेंट्रल एशियन के देशों के साथ बैठ के अपने पूरे के पूरे बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना चाहती थी। और जब हम शंघाई 5 की वर्किंग को देखते हैं तो हम एक बड़ा पेक्यूलियर पॉइंट ये देखते हैं दोस्तों कि चाइना ने इन पूरी 5ों सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ जब अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को एक एक करके रिजॉल्व करने की कोशिश की, उस समय कई जगहों पर चाइना ने टेरिटोरियल कंसेशंस भी दिए। यानी कि चाइना ने ये तक बात बोली कि भाई अगर मुझे कहीं पर अपनी टेरिटरी को एक सेंट्रल एशिया के देश के बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए देनी भी होगी तो मैं दे दूंगा, मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। दोस्तों ये बड़ा पेक्यूलियर सा व्यवहार था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि भारत के साथ चाइना का एक बॉर्डर डिस्प्यूट आज तक पेंडिंग है, और इस बॉर्डर डिस्प्यूट को चाइना बिल्कुल रिजॉल्व करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, जबकि भारत की तरफ से कई बार इसको लेके मुहिम चलाई भी गई है, और भारत के साथ बॉर्डर पर वो विभिन्न प्रकार की अजीब हरकतें भी करती है, डिस्पाइट कि हम लोगों के बायलैटरल अग्रीमेंट्स भी बहुत हैं, पर वो बारे में हम लोग कभी सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि शंघाई 5 के थ्रू 2001 तक चाइना ने सारे अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लिया, और 2001 में उसने इसी शंघाई 5 को चेंज करके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO का गठन किया। तो दोस्तों SCO इस कॉन्टेक्स्ट में पैदा हुआ। लेकिन SCO में जब चाइना ने अपने रिसोर्सेज लेने शुरू करे, यानी कि जब उसने सेंट्रल एशिया के इन देशों से रिसोर्सेज उठाने शुरू करे, तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों ये हुई कि चाइना को ये समझ आने लग गया कि इन सेंट्रल एशियंस के पास इतने सारे रिसोर्स हैं कि मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ इन रिसोर्सेज पर निर्भर है।
दोस्तों कोई भी कंट्री, कोई भी देश पूरे विश्व में, यदि आज की डेट में या कभी पहले भी अगर किसी एक स्पेसिफिक भाग ऑफ द वर्ल्ड से अगर रिसोर्स लेता है और उन रिसोर्सेज से उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ तक निर्भर होती है, तो जाहिर सी बात है कि वो उन स्पेसिफिक देशों को सिक्योरिटी लेवल की प्रोटेक्शन भी देता है। और चाइना ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद इस सोवियत बैकयार्ड में, यानी कि उन पूर्व सोवियत यूनियन की कंट्रियों को सिक्योरिटी लेवल की कोऑपरेशन देना शुरू कर दिया। अब ये किस प्रकार की सिक्योरिटी कोऑपरेशन थी? सबसे पहले चाइना ने इन देशों को सिक्योरिटी लेवल पे इनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी। अब रशिया इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था, साथ ही में उसने पुलिस की ट्रेनिंग दी, पैरामिलिट्री की ट्रेनिंग दी, पुलिस को आर्म्स एंड एमुनिशन भी देने शुरू करे। तो दोस्तों जब ये सारी चीज़ें रशिया ने खुद देखी, तो रशिया को भी ये बात लगने लगी कि कहीं ऐसी तो परिस्थिति नहीं हो जाएगी आने वाले समय में कि भाई चाइना मेरे ही बैकयार्ड को पूरा का पूरा डोमिनेट कर लेगा। तो इस परिस्थिति को रोकने के लिए कि चाइना कहीं पूरे मेरे सेंट्रल एशिया के बैकयार्ड को डोमिनेट ना कर ले और मेरे यहाँ पर आके कहीं ये ना हो कि मुझ पे ही कल को नज़र रखना चालू कर दे, तो इस कॉन्टेक्स्ट से दोस्तों 2010-11 से एक मुहिम चलाई गई कि हमें SCO में नए मेंबरों को शामिल करना चाहिए। और जैसे जैसे ये डिबेट मेंबरशिप का बढ़ा, इस कॉन्टेक्स्ट में पहली बात तो इंडिया ने अपनी मेंबरशिप प्राप्त करी। लेकिन सरप्राइजिंग बात है दोस्तों कि जब रशिया ने इंडिया की मेंबरशिप के बारे में कैंडिडेचर को सपोर्ट किया, तो उसी समय इंडिया को अंडरकट और काउंटर करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान को भी SCO का मेंबर बनाया। मजबूरन इंडिया और पाकिस्तान दोनों इकट्ठे SCO का मेंबर बने। दोस्तों हमारे सेंट्रल एशिया के देशों के साथ एंशिएंट समय के रिश्ते हैं, और हम इन रिश्तों को शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर के दौरान भी रशिया की मदद से रियलाइज कर रहे थे और कल्चरल डिप्लोमेसी हमेशा से यहाँ करते आते थे। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर डायनेमिक्स बदल चुके थे, तो अब हाल ही के समय में इंडिया की प्रेजेंस और इंडिया की डिप्लोमेसी भी बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक हो चुकी है। लेकिन हमारा कोई भी यहाँ पर इकोनॉमिक रिलेशन आज की डेट में सेंट्रल एशिया को एक्सप्लॉइट करने का नहीं है, बल्कि उनको एम्पावर करके डेवलप करने का है। अब दोस्तों समस्या यहाँ पर ये हुई है कि चाइना पिछले काफ़ी समय से एक इन इलाकों में 2014 से कह लीजिए कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नामक एक जो उसने संगठन और पूरा एक कॉन्सेप्ट बनाया है, वो आज की डेट में इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी सेंट्रल एशिया के देशों में प्रमोट कर रही है। अब दोस्तों ये जो सेंट्रल एशिया के देश जो हैं, ये आज की डेट में बेल्ट एंड रोड को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और क्योंकि ये लोग चाइना से इंगेज करते भी आए हैं लगभग पिछले 1.5 दशक से, तो कहीं ना कहीं ये सेंट्रल एशिया के देश चाइना के साथ आज की डेट में BRI का हिस्सा बन के उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन चाइना के बेसिस पे सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमें उससे किसी को भी लेके कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हाल ही में जो वर्चुअल मीट अभी हुई दोस्तों, इस वर्चुअल मीट में एक बड़ा यूनिक एलिमेंट था, और वो यूनिक एलिमेंट यहाँ पर ये भी था कि रशिया के साथ साथ चाइना के साथ साथ आज की डेट में SCO के अंदर एक नया मेंबर भी आ चुका है जिसका नाम है ईरान। और दोस्तों इंडिया के लिए यही एक प्रॉब्लम है कि आज की डेट में चाहे हम रशिया को देखें, चाइना को देखें और ईरान को देखें, ये तीनों के तीनों देश ऐसे हैं जो बेसिकली एंटी वेस्ट हैं, और इन तीनों देशों के बीच में इंडिया है जिसने वेस्ट के साथ से लेके रशिया के साथ एक रिलेशन बैलेंस तरीके से बनाया हुआ है। इंडिया के रिश्ते ईरान से भी उसी लेवल पे अच्छे हैं जितने ही वेस्ट के रिश्ते आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली ईरान के साथ बुरे हैं। दोस्तों अभी इस वर्चुअल मीट में पिछले हफ्ते जो हुई, जब प्रधानमंत्री ने इस मीट को संबोधित किया, उस मीटिंग में चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पैराग्राफ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में ऐड करवाना चाहती थी, और भारत ने उस चीज़ को ओपोज किया। भारत ने कहा कि भैया किसी प्रकार का कोई भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यूनिलैटरल नहीं होता है, वो हमेशा दूसरों को मद्देनजर रखते हुए दूसरों के सपोर्ट के साथ ही अगर आए तो बेहतर होता है। इस चीज़ को लेके चाइना काफ़ी निराश भी हुआ। तो दोस्तों हमें चाइना की निराशी से तो कुछ लेना देना नहीं है, चाइना जितना मर्जी नाराज़ रहे उसकी नाराज़गी हमारे को इतनी अफेक्ट नहीं करती। इनफैक्ट हम लोगों की तरफ से इस पूरी मीटिंग में जब प्रधानमंत्री ने अपना न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पढ़ा, तो उस समय दो स्पेसिफिक पॉइंटर्स पे बहुत क्लियर कट एम्फोसाइज किया। पहला पॉइंट ये था कि हमने ये बात बोली बिना पाकिस्तान का नाम लिए, क्योंकि डिप्लोमेसी में थोड़ी सी डिग्निटी होती है, एलिगेंस होती है, तो हमने बिना पाकिस्तान का नाम लिए हुए ये बात को बहुत स्पष्ट तरीके से बोला कि कई देश
एससीओ के ऐसे मेंबर्स हैं जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म अभी भी कर रहे हैं और उनको इस चीज़ को रोकना चाहिए, जिसका जाहिर सी बात है कि मैसेज पाकिस्तान की ओर था। और फिर वही बात कि बिना चाइना का नाम लिए हुए हमने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में ये तक बोला कि भाई कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हम लोग होलहार्टेडली वेलकम करते हैं, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, लेकिन यदि ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स अगर सबकी सहमति से बने और एक डेमोक्रेटिक नज़रिए से आएँ तो ये ज़्यादा बेटर होंगे, रादर देन कि इनको कोई एक सिंगुलर देश यूनिलैटरली दूसरे देशों पे इम्पोज करे। तो दोस्तों, एससीओ में अभी तक इंडिया की प्रेजेंस पे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि इंडिया के लिए मेरा मानना ये है कि एससीओ आने वाले समय में एक डिलेमा क्रिएट कर सकता है, और उस डिलेमा का रीज़न अब आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रशिया, चाइना और ईरान तीन ऐसे देश हैं जिनका वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है। और आज की डेट में इंडिया केवल मात्र एक इकलौता देश है पूरे एससीओ के अंदर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ और रशिया जैसे देशों के साथ एक बैलेंस्ड रिश्ता रखता है। कल को यदि अगर एससीओ बहुत ही ज़्यादा एंटी वेस्ट ओरिएंटेशन लेना शुरू कर बैठेगा तो इस परिस्थिति में इंडिया की डिप्लोमेसी किस डायरेक्शन में जाएगी और इंडिया के लिए टास्क मैनेज करने की कठिनाई आने वाले समय में बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडिया एक एंटी वेस्टर्न ग्रुप में रह के उस ग्रुप को जस्ट बिकॉज कि उसके ऊपर एक दबाव डाला जा रहा है कि ये हम एक एंटी वेस्ट ओरिएंटेशन रखेंगे, उस ग्रुप से पीछे हटना भी कोई लॉजिकल बात नहीं है। तो इंडिया के लिए इस परिस्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि हमें अपना फोकस प्योरली जो है एंटी वेस्ट या एंटी रशिया या एंटी चाइना रखने के बजाय एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके सेंट्रल एशिया के साथ एंगेजमेंट बढ़ाना चाहिए, और सेंट्रल एशिया के दोस्तों के साथ जो हमारे देश हैं उनको जिस प्रकार का विकास कार्य में सपोर्ट हमारी तरफ से चाहिए हमें उनको देना चाहिए, क्योंकि हमें सेंट्रल एशिया को एक स्ट्रेटेजिक नज़रिए से देखना है और एससीओ की आइडियोलॉजिकल इम्प्रिंट से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्त, जुड़िए अनअकैडमी से। 1 out of 3 सिलेक्शन 2022 में हमारे यहाँ से हुए हैं। साथ ही में दोस्तों, अभी एक अनलॉक ऑफ़र 2023 के लिए चल रहा है जिसमें 50% का डिस्काउंट मिलेगा आपको अगर आप PAVIS का कोड का प्रयोग करते हैं। ये लिमिटेड टाइम के लिए है, तो इस ऑफ़र का तुरंत फ़ायदा उठाएं। PAVIS कोड से आप GS का और प्लस कॉम्बो का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 22,000 से लेकर 26,000 रुपये तक की जो सेविंग है वो होगी। साथ ही में अनअकैडमी UPSC प्रॉमिस PAVIS कोड से आपको मिलता है। दोस्तों, अभी एक फ़ीस हाइक होने जा रही है प्राइसेस की, तो PAVIS कोड से तुरंत सब्सक्रिप्शन लीजिए। हमारा आरंभ बैच जो कि एक इंग्लिश स्पीकिंग बैच है और हिंदी स्पीकिंग के लिए बैचेस जो हैं इनको भी PAVIS कोड से ज्वाइन कीजिए। किसी प्रकार की फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए हो तो ये हमारी टीम का दिया गया नंबर है, संपर्क कीजिए इस पे। ये ऑप्शनल्स हैं जो इंग्लिश, हिंदी, बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में आप PAVIS कोड का प्रयोग करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम और हमारे टीचर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कराएंगे। और 2024 की तैयारी के लिए दिल्ली में मुखर्जी नगर में हिंदी माध्यम का भी बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है फाउंडेशन कोर्स के लिए। PAVIS कोड का प्रयोग करके इससे भी ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।